नमस्कार दोस्तों, सौरभ का माइनक्राफ्ट की एक और मजेदार वीडियो में। तो आज के एपिसोड में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे हार्डकोर सीरीज गाइस। तो पिछली बार मैंने बोला था घर बना देता हूँ मैं आज के एपिसोड में, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर काली जगह चाहिए, बिल्कुल प्लेन। इसलिए तो रीस को हटा देते हैं। काफ़ी सारे ट्रीज को हटाना मुझे यहाँ पर। इससे हमारे लिए दो फायदे, दो चीज़ होते हैं। एक तो हमारा घर बन जाएगा, दूसरा यहाँ पर प्लेन भी हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा अभी। और गाइस ये हार्ड कोर है, एक बार मर गए तो खत्म वर्ल्ड। तो देखते आप पहला वीडियो भी देखो। एक और बार, अरे देख लिया तो कोई बात नहीं, जिन जिन्होंने नहीं देखा देखो जाकर। वहाँ पर हमने थोड़ा प्रोग्रेस किया, एक बेड एक्स और सब बनाया था। तो अभी इस बेड का क्या काम है, मतलब सर्वाइवल में हमें ये रिस्पॉन भी करता है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन तो होता ही नहीं है। बेड का सिर्फ सोने का है हमें। बेड से यार मैं खो भी बना लेता हूँ अपने लिए। हो से ना क्या होता है कि जल्दी टूटता है, वो क्या बोलते हैं उसे, लीव्स। ये देखो जल्दी टूट रहा है ना। डायमंड हो तो आयरन हो तो ना तो और ज़्यादा जल्दी टूटता है ये। और इस जगह को मुझे प्लेन भी करना है, वो भी है एक और। गाइस आप ना यह कलर देखो इनका, इसका ब्राइट है इसका डार्क है थोड़ा। टूट जा, यहाँ से जो सैपलिंग वो सब गिरे उसको भी कलेक्ट करो। गाइस ये देख रहे हो जल्दी टूट गया हमारा हॉबी, अभी टूट नहीं वाला है, मतलब शवल भी बना लेते हैं। बस हमें ना अभी वुड को वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब स्टिक्स के लिए। यहाँ पर प्लेन कर देता हूँ मैं। गाइस मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड जैसा नहीं बनाऊंगा, मतलब उसमें ना मैं 300 डेज तक एक छोटा सा ट्री हाउस में ही सर्वाइव किया, मतलब कुछ फार्म नहीं, कुछ विलेजर ब्रीडिंग्स नहीं, कुछ नहीं किया उस वाले वर्ल्ड में। तो इस यहाँ पर मैं वो गलती नहीं करूँगा, पहले से ही सारे फार्म्स और सब बना कर रखूँगा, तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए खाने की सप्लाई। तब तो मेरे पास मास्टर लेवल का फार्मर है, वो गोल्डन कैरेट देता है एमरल्ड के बदले, 3 एमरल्ड के बदले 3 गोल्डन कैरेट। तो इसको गाइस और मैं पहले बोल देता हूँ कि मैं जब मेरे पास बढ़िया आर्मर और सब नहीं होता ना, जब तक बढ़िया आर्मर नहीं होता तब तक मैं मतलब रात को ऐसे मतलब उठ कर नहीं रहूँगा, सो जाऊँगा, रात होते ही सो जाऊँगा मैं। और पोर्क चॉप पहले वीडियो में बनाया था काफ़ी सारे एनिमल्स को मार कर।
गाइस मैं आपको माइनक्राफ्ट के एक लॉजिक समझाता हूँ। जब तुम्हें एक चीज़ चाहिए वो नहीं मिलता, जब तुम्हें नहीं चाहिए वो चीज़ चुटकी बजा कर मिल जाता है। जब मुझे शिप्स चाहिए नहीं मिल रहा, जब मुझे नहीं चाहिए तो काफ़ी सारे मिल गए। सो जाना भाई, इतना क्या? अरे सो जा, मॉब्स आने ही वाले। माइक माइक ये वो ज़ॉम्बी का बस बहुत घटिया है, पता है। अरे क्राफ्टिंग टेबल पे नहीं क्लिक करना है, क्लिकने करना है तो यहाँ इस पेड़ को भी काटो। गाइस स्टोन चाहिए हमको, मुझे स्टोन चाहिए। हाँ सो जा, सो जा सुकुंडी नींद। और इसको ना ऐसे ही रहने देते, इसको तो पैसा तोड़ो, जल्दी तोड़ो। कितना चाहिए? 3 + 1 4 चाहिए, और 4 मिल गए। ए बॉय, तो यहाँ पर 2 स्टिक्स रखते हैं। ये बॉय, इसको टूटने देते हैं, इस एक्स को। टूट गया, ये नया वाला यूज करते हैं अभी। गाइस ये एफिशिएंसी ना शवल पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास बीकन है ना, पिकैक्स पे एफिशिएंसी 5 लगा लो, वो एफिशिएंसी 10 तरह काम करता है। बीकन में फुल पावर्ड बीकन, उसके साथ हेस्ट 2, कितना मस्त होता है ना वो। पहले ही हमें नेदर स्टार ऑब्सीडियन फुल पावर्ड बीकन दे देते ना एन्चेंटिंग टेबल के साथ, तो मज़ा आ जाता है, बोलू तो सच्ची। और गाइस वुडन शवल में और स्टोन शवल में बहुत ज़्यादा फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है दोनों में। वो भी बना देते हैं, इसलिए हमें और 2 स्टोन चाहिए। एक तो मिल ही गया, दूसरा भी मिल गया। हो ना गाइस, अच्छा चीज़ है, मतलब अटैक नहीं करता, अटैक डैमेज एक ही है, लेकिन आपको वो काना देता है, मतलब फार्मिंग उससे कर सकते हो आप। ऐसे देखो शीयर्स नहीं है ना, आयरन नहीं है ना आपके पास, ये भी कर सकते। और गाइस इस वीडियो में मैं घर बनाऊंगा, अगले वीडियो में जाते हैं माइनिंग में ऐसा, ठीक है गाइस? अभी जल्दीबाजी नहीं करने का माइनिंग में जाकर। पीछे से क्रीपर आकर फटा ना मेरे मुंह पे, तो खत्म। तो मैं और मेरे भाई खेल रहे थे, जैसे मैं बोला भाई माइनक्राफ्ट खेलते आ जा, तो भाई ने बोला ठीक है यार खेलते, हार्डकोर खेलते कहा। और हमने क्या किया, वर्ल्ड जनरेट किया, जो सबसे पहले करते सारा कुछ घर वो सब बना दिया अच्छे से, और फार्म वो सब भी। क्या हुआ अंत में? चुटकू ज़ॉम्बी। गाइस नोट करो, नोट कर दो, क्रीपर के बाद चुटकू ज़ॉम्बी है गतिया मॉब। एंडर ड्रैगन तो बच्चा ही है, उसको तो इससे चुटकी बजा कर पहल देते, लेकिन वो चुटकू ज़ॉम्बी ना, चुटकू ज़ॉम्बी और क्रीपर बकवास चीज है, बकवास एकदम यार। साइड बॉम्बर है क्रीपर, और उसके साथ वो छोटा वाला छोटा ज़ॉम्बी, बेटा ज़ॉम्बी, ठीक है। तो अभी क्या आउटर लेयर बना है, कितना कितना बनाते? 1 2 3 एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यहाँ पर 9, 1 2
एक ये काउंट हो जाएगा, दो तीन चार, एक मिनट, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ बना देते हैं। फिर से यहाँ पर उसको कनेक्ट करना है, क्या बोलते हैं इसे यार, सारे उल्टा हो गए, मतलब सही नहीं लग रहा ये तो। एक तरफ ऊपर, एक तरफ नीचे, एक बर्च फूड कम पड़ गया, एक बर्च फूड। तो ये नीचे का पूरा बर्च वुड है ना, तो अभी इसे ये करते हैं, राइट क्लिक करते पूरा, तो ये साइड से देखने में ना अच्छा लगता है, ये साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, एक दो तीन चार, चार यहाँ पर भी, एक दो तीन चार, मतलब इसको करते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है। अभी ये वो का बना या बर्च का, बर्च का बनाते डोर, ये बन गया एक डोर हमारा, यहाँ पर लगा देते हैं। और हाइट होगा यहाँ पर बॉर्डर्स में, मैं यूज करूँगा ये क्या बोलते हैं इसे, ओ क्लॉक, हाँ एक दो तीन, तीन हाइट काफ़ी है। बॉर्डर्स में ये यूज़ करते हैं, बीच में ना कॉबल स्टोन यूज़ करते हैं, एक दो तीन, हाँ तीन है ना। फिर से यहाँ पर एक दो तीन, नहीं जंप नहीं करना, एक दो तीन, फिर ऐसे लगा, ऐसे लगा दो। टॉर्चेस भी चाहिए गाइस, इसीलिए फर्नेस चाहिए और वुड भी चाहिए हमें। वुड से चारकोल मिलता है, चारकोल से हम कुछ भी बना सकते हैं, मतलब टॉर्चेस बना सकते हैं मेरा मतलब। तो यहाँ पर सैंड है क्या, सैंड, सैंड नहीं है तो फेंस बनाते ना, फेंस अच्छा अच्छा चीज़ है फेंस। दो तो यहाँ पर एक दो तीन चार, यहाँ पर भी कैसे, एक दो, यार कम पड़ गए, कैसे बनाया था मैंने, हाँ ऐसे, यहाँ पर भी एक दो तीन चार, हाँ यहाँ पर ऐसे बन गए ना, यहाँ पर भी लगा देते हैं, क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ हमारे, बस वुड ही जा रहे ना, ऐसे मिल जाता है वुड तो यहाँ पर और यहाँ पर भी, ऐसे ऐसे इसके ऊपर भी, ये बॉय अब लग रहा है ना मस्त। और अभी मुझे चाहिए कॉबलस्टोन, नहीं यार कॉबलस्टोन से नहीं करते, ये है ना, ये वुड से करते हैं। तो ऊपर का रूफ मैं इसे नॉर्मली नहीं बनाऊंगा, हम नॉर्मल वाले नहीं है, हमें तो चाहिए लुक बढ़िया वाला, मतलब ये बिगनिंग कर रहे, बाद में अपग्रेड वो सब हो जाएंगे, कॉबल स्टोन, स्टोन स्मूथ स्टोन, स्टोन ब्रिक्स, ऐसे ऐसे। तो अभी बंद करते हैं, स्टेयर्स बनाते हैं एक बार, कितने स्टेयर्स बन गए, ठीक है 12। ये इसमें से आधा करो, इसमें से भी आधा करो, इसका भी बनाओ स्टेयर्स, थोड़े करके पूरा बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये लगा देते यार, रात हो रहा है, हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मतलब सो जाते हैं जल्दी से ही हम,
यहाँ पर ऐसे ना पहले मैं कॉर्नर्स बना लेता हूँ, फिर जाते ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर या तरफ जब भी। तोड़ो तोड़ो उठ को तोड़ो, फिर से लगाओ, तोड़ो लगाओ, तोड़ो लगाओ। ये देखते ऐसा नहीं होता, नहीं फिर से गिर गया मैं। मेरा नाम अभी माइनक्राफ्ट में लोन वुल्फ नहीं है, गिरना वुल्फ है मेरा नाम अभी से माइनक्राफ्ट में। गाइस नोट कर दो, गिरना वुल्फ आ गया है गेम में, जो हमेशा गिरता रहता है। उल्टा नहीं लगाने का बाबा, उल्टा नहीं लगाने का रे, सीधा हाँ ऐसा ऐसा लगाने का। हमें डैमेज बिल्कुल नहीं लेना, टाइम वेस्ट हो जाए तो हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए तो भी काम नहीं चलता। डैमेज तो गाइस बिल्कुल होना ही नहीं है, डैमेज हो गया गया, हो गया गया, वाह। ये यहाँ पर लगाओ, स्टेयर्स बनाओ, सो जाओ। एक मॉब भी स्पॉन नहीं होना है, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स, क्रीपर्स। गाइस लॉन्ग रेंज में ना घटिया मॉब है स्केलेटन, फूटने में है क्रीपर, और ज़ॉम्बीज के फैमिली में है छोटा वाला। एंडरमैन तो वैसे ही है अच्छा वाला चीज, उसको ना आंखों में देखो, तीन ब्लॉक से छोटा वाला कमरा बना, कमरा ऐसा, तो उसमें चला जाओ, हो गया, उससे बच गए आप। उल्टा क्यों लगा रहे रे लोन वुल्फ, खत्म, वाह। और चाहिए अभी फर्नेंस लगा देते हैं ना यहाँ पर, फर्नेंस लगा कर उसमें थोड़ा ये डालकर, इसमें से भी थोड़ा ये डालते हैं। कितना बन गए, आठ, ठीक है बन जाएगा आठ से, लगता है, लगता है गाइस, लगता है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो और बना लेंगे। वुड का कमी है क्या, फॉरेस्ट में स्पॉन किया इन्होंने, वुड का बारिश है फॉरेस्ट, ठीक है। यार उल्टा क्यों लगा रहा है, सीधा लगा, हाँ सीधा लगा। फिर से नीचे जाओ, फिर से ऊपर आओ। चार आठ, ठीक है काफी है आठ। अभी भी नहीं बना ना, बन गया ये गैस, ये लग रहा है अभी हाथ लग रहा है, ये अंदर से टॉर्चेस भर देंगे ना तो मॉब स्पॉन नहीं होंगे। ये इसको, इनको तोड़ो, इनको तोड़ो, सबसे पहले इनको तोड़ना चाहिए गैस। ऐसे अंदर से देखने में ऐसा ना लग रहा कि पूरा काली खाली है, मतलब कुछ अच्छा नहीं है इसमें। इनको भी ऐसे कर देते हैं, स्ट्रिप वुड ना बहुत अच्छा दिखता है। और इसका साउंड गाइस बिल्कुल ना ऐसा लग रहा कि तुम किसी को ऐसा
मतलब स्किन छील रहा वुड का, वही है मतलब उस वैसा साउंड भी आ रहा है। यहाँ पर बना लेते हमारे लिए एक एक्स और यहाँ से निकाल लेते ये, यहाँ पर रखते ये 36 टॉर्चेस। तो पूरा लाइटनिंग बना दो। अभी अभी लग रहा है ना ये घर जैसा। ऊपर भी, ऊपर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर दो दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये बाकी सारा लेफ्ट हैंड में जाएगा। और नीचे भी थोड़ा लगा देते, नीचे भी रोशनी होना चाहिए ना गाइस। हाँ, फ्रेंड्स के ऊपर नहीं लगा सकता, ठीक है कोई बात नहीं। और गाइस हमारा घर बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसमें एक और चीज ऐड करने का, और वो है सारा सामान अंदर शिफ्ट करने का है। वो यहाँ पर ये तोड़े, ये लगाओ, नहीं यार यहाँ पर नहीं लगाते, इसको इससे तोड़ो, इसको इससे तोड़ो। हाँ आ गए ना, तुम यहाँ पर जाओ, तुम्हारे ऊपर टॉर्च लगाओ, तुम यहाँ पर जाओ। तो अभी अभी क्या करना है इस घर में, हाँ चेस्ट बनाना है मुझे। चेस्ट मेन चीज है, चेस्ट। और दो लगा देते और एक और बना देते, चार आ गए। तो कहाँ पर रखे चेस्ट, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। ये बॉय गाइस, काफी सारा मेहनत लगा इस घर को बनाने में, लेकिन घर पूरा अच्छा दिख रहा है, अच्छा पूरा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।